देखो मैं तुमको मिलाने किसको लेकर आया हूं। मेरा बेटा सुमित, तुम चाहती थी ना इससे मिलना? बेटा नमस्ते बोलो। नमस्ते। नमस्ते सुमित, अंदर आइए। कियान बेटा इधर आओ, देखो कौन आया मिलने। जाओ। देखो यह है सुमित। हाय बोलो। हाय। हाथ हिलाओ। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे दूसरी मम्मा मिल रही है, साथ ही साथ एक भाई भी, इसके साथ मैं खूब खेलूंगा। इसलिए तो मैं आप दोनों के लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आया हूँ, वो देखो। अच्छा बच्चों, तुम लोग खिलौनों के साथ खेलना, पर उससे पहले मुझे बताओ सुमित आप क्या खाना पसंद करोगे? पकौड़े। मैं अभी गई और अभी आई। हाँ जानवी, थोड़े एक्स्ट्रा पकौड़े बना लेना, और लॉयर साहब आते ही होंगे ना एडॉप्शन के प्रोसेस को फाइनल करने। साधु सर खास अपने बेटे को मुझसे मिलवाने लाए, अब नहीं जा सकती, पुष्कर भैया को बाद में देख लूंगी। बेटा जाओ वो खिलौने लेकर आओ। देखा मुरली, ज्ञान के एडॉप्शन से पहले ही मैं अपने बेटे को जानवी से मिलवाने ले आया। तुम जितनी भी कोशिश कर लो आर्या, मेरा प्लान कभी फेल नहीं होगा। क्या हुआ मुरली, आंख हो गए भाई? खुशी सब, वो अर्जेंटली काम से जाना पड़ेगा। ओ मैं आता हूँ। तारे जी बस मैं जा रहा हूँ अन्या के पास माफी मांगने। अरे हीरो, आपने तो कहा था कि मैं अडॉप्शन नहीं होने दोगे, फिर कैसे जा रहे हो? तो मुझे अर्जेंट काम से जाना पड़ रहा है, अगर नहीं गया दादाजी बहुत उदास हो जाएंगे, सो मैं यूं गया और यूं आ गया प्लीज। यानी साधु अंकल मेरे पापा बनने वाले? नहीं हीरो, वो बैड अंकल है, प्लीज ऐसे मत होने दो। दोस्त ऐसा कुछ नहीं होगा, ओके? आप प्लीज ऐसे ऐसे मत सोचो, मैं नहीं होने दूंगा। आप बस भाई साहब, ये जानवी जोशी कहाँ रहती है? आगे जाके राइट में। ये पक्का वही अडॉप्शन वाला लॉयर होगा। दोस्त आप 2 मिनट बस यहाँ रुको, मैं यूं गया और यूं आया, ओके? अरे वकील साहब, आप जानवी जी के घर जा रहे हैं ना वो अडॉप्शन के केस के सिलसिले में? जी हाँ। वो एक्चुअली जानवी जी को अर्जेंटली जाना पड़ा, उनकी बुआ की तबीयत खराब हो गई है, तो वो 3 घंटे के लिए अवेलेबल नहीं होंगी, आप बाद में आ जाइए। 3 घंटे बाद? जी। एक मिनट, मैं जरा साधु जी से बात कर लूँ। साधु जी भी उन्हीं के साथ ही गए हैं। जी आप कौन? मैं उनका नेबर हूँ, पड़ोसी। मुझे कह के गए थे कि अगर वकील साहब आए तो उन्हें बोल दीजिए कि 3 घंटे के बाद आने के लिए, उनका मैसेज आपको कन्वे कर दिया मैंने। ठीक है कोई बात नहीं, मैं 3 घंटे बाद आता हूँ। थैंक यू। देखा वो अडॉप्शन वाला लॉयर था, मैंने 3 घंटे के लिए उसे टाल दिया। अब सुनो, मैं बस यूं गया और यूं आता हूँ, मैं साधु अंकल को आपका पापा नहीं बनने दूंगा। मैं बस आया। अब लेट तो नहीं हो गया? नहीं नहीं नहीं, और जल्दी आना पक्का। अरे ज्ञान बेटा कहाँ चले गए थे तुम? देखो तुम्हारा भाई तुमसे मिलने आया, खेलो इसके साथ। सुमित बेटा ज्ञान को भी खिलाओ। हाँ बस कुछ ही देर में साधु सर कियान के पापा बन जाएंगे, मेरे बच्चे पे मेरा हक आधा हो जाएगा। एक तरफ तो ये सोच सोच के दिल रोए जा रहा है, और दूसरी तरफ इतनी गिरी हुई हरकत करने के लिए पुष्कर भैया पे गुस्सा भी आ रहा है।
कियान आ जाओ गरम गरम पकौड़े। दानिश हम कितने खुशनसीब हैं, एडॉप्शन और शादी के बाद हम एक नहीं बल्कि दो दो बच्चों के माँ बाप बन जाएंगे। यस सो लकी ना। अरे पकौड़े बाद में खा लेंगे, इन्हें भी खेलने दो, इन दोनों को भी एक दूसरे को जानने का मौका देना चाहिए ना। अरे अरे जानवी तुमने फॉर्म तो भर दिया लेकिन साइन अभी तक नहीं किए। अरे जल्दी से साइन कर दो ताकि लॉयर को आके सिर्फ कोर्ट की स्टैंप लगानी पड़े। मैं कर देता हूँ साइन, है ना। फॉर्म पे कियान का नया नाम कैसा लग रहा है? कियान सदानंद साधु। लो अब तुम भी जल्दी से साइन कर दो। अरे बैठो साइन करो। जानवी जल्दी से साइन कर दो, सब कुछ रेडी हो जाएगा तो फिर लॉयर भी आता ही होगा ना। तेरे साइन और वकील के थप्पे से ज्ञान मेरा हो जाएगा और फिर उंगलियों पे ना चाहूंगा तुझे। होटल का वो औरतों वाला धंधा चलाने का दोष भी तुझसे ही कबूल करवाऊंगा। फिर तू जाएगी जेल और ज्ञान को सड़क पर छोड़ दूंगा जहां वो भीख मांगेगा। चल साइन कर चुपचाप। जानवी जानवी देख ना मैं सबके लिए मैंगो शेक बना के लाई हूँ। इसी का तो इंतजार कर रही थी मैं। भाभी चलिए हम ना ग्लास और बर्फ लेकर आते हैं, जल्दी जल्दी बच्चों को दे देंगे। जानवी ये फॉर्म तो साइन कर दो। क्या हुआ है जानवी? भाभी सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है, कल सगाई आज अडॉप्शन, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक एक पल के लिए सोचने के लिए। अब रुको भाभी, कियान का अडॉप्शन होना चाहिए भी कि नहीं? मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ ना? नहीं बिल्कुल नहीं जानवी, ऐसे तुम गलती नहीं कर रही हो। और देखो कियान के ना भविष्य का सवाल है, और देखो उसको स्कूल में ना दाखला भी मिल जाएगा और उसका जो क्रिकेट का ट्रेनिंग है वो भी हो जाएगा, और साधु जी की मदद तुम्हें भी तो लगेगी ना। तो कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ, शांत हो जाओ।